सर मेरा आपसे प्रश्न यह है कि 2014 में आप फूलपुर से सांसद चुने गए और उसके बाद ही आपको उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया, और आपके ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनाई। तो लोकसभा चुनाव से अलग प्रदेश के चुनाव बेहद कठिन थे ऐसा हम जानते हैं, तो पार्टी ने यह अकल्पनीय कार्य कैसे किया, इस पे हम आपके विचार जानना चाहेंगे और आपसे सुनना चाहेंगे सर। देखिए, मैं आप सबको इस नमो ऐप के इस वर्चुअल मीट के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। यह सच है कि मुझ जैसे एक बहुत साधारण कार्यकर्ता को जिस मैंने अभी आपको बताया है पहले प्रश्न के उत्तर में कि जिस परिवार से मैं आता हूं उस परिवार से और यहां तक की यात्रा करना तो मतलब बहुत दूर की बात है, सोचना भी संभव नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया, फूलपुर से सांसद भी बनाया और मुझे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया। लेकिन एक मैं जब चुनाव के परिणाम आए थे तो परिस्थितियां जरूर, ये मैं मानता हूं कि कभी भी चुनाव की परिस्थितियां मतलब अनुकूल नहीं होती, सदैव कठिन होती हैं, प्रतिकूल होती हैं और प्रतिकूलता में अनुकूलता लाना यह साधारण बात नहीं होती है। लेकिन जैसा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व का सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय और विश्वसनीय नेता हमारे पास, इसलिए मैं तो पूरे देश और प्रदेश में पार्टी का जहां निर्देश होता है भेजा जाता है, मैं वहां जाता हूं। एक लाइन मैं आज इस नमो ऐप के वर्चुअल मीट में भी कहूंगा कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। तो यह एक बार जो नेता ऐसा धरती पर आता है, ऐसे नेता ऐसे नेतृत्व के कारण, यह सच है कि उत्तर प्रदेश एक अलग प्रकार की परिस्थिति वाला प्रदेश था। यह भी सच है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेरे जैसे बहुत नए नवेले कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश और दुनिया के बहुत सारे देशों से बड़ा प्रदेश, उस प्रदेश का मुझे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया। लेकिन यह मेरा सौभाग्य है, मेरा भाग्य मैं मानता हूं कि मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे और उनके प्रधानमंत्री रहने के कारण और मुझे अध्यक्ष का उत्तरदायित्व मिलने के कारण एक उत्तर प्रदेश का बहुत बिगड़ा माहौल था, जो अराजकता, जो गुंडागर्दी, जो माफियागिरी आज पश्चिम बंगाल में, वही अराजकता, वही गुंडागर्दी, वही माफियागिरी उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले थी। लेकिन हमारे नेतृत्व का संरक्षण प्राप्त हुआ कि नहीं, आप ठीक से मेहनत करो। मैंने जिस दिन से मुझे अध्यक्ष इस नाते पार्टी ने जिम्मेदारी दी, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपने आदर्श और अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के तरह प्रतिदिन 18 घंटे काम कर पा रहा हूं, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं जिस दिन अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व दिया गया उस दिन से लेकर के चुनाव संपन्न होने तक मैंने 18 घंटे की जगह 17 घंटे कभी काम नहीं किया। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जो कार्यक्रम होते थे, पहुंचना है तो पहुंचना है, लोग खड़े रहते थे भारी सैलाब, और यह सब क्यों खड़ा रहता था, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, इसलिए खड़ा रहता था क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत गरीबों के खाते खुले थे, स्वच्छ भारत अभियान चला था। एक सांसद के नाते मैं जानता हूं, मैं संघ का पूर्णकालिक कार्यकर्ता था, बीप का संगठन मंत्री था, और संगठन मंत्री के नाते एक गैस का सिलेंडर किसी सांसद से उस समय कूपन के आधार पर मिलते थे। मेरे भी घर में मेरे छोटे भाई बहन ये सब पढ़ने के लिए जाते थे, माताजी मेरी बड़ी भाभी थी, वो कहीं बहने कहीं घर में हम लोगों को लाला लाला कहते हैं कि लाला अगर उनके यहाँ सिलेंडर है, अगर एक सिलेंडर किसी तरह मिल जाए, कम से कम 1.5 वर्ष के प्रयास के बाद मुझे एक गैस का सिलेंडर मिल पाया था, कूपन मिल पाया था, और उस कूपन के मिलने के बाद घर में गैस का इस्तेमाल बहुत बचा बचा के किया जाता था कि बच्चों को सुबह स्कूल जाना तो इनको कुछ बना करके देना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खातों को खोलने का काम
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम, और मैं बलिया की उस रैली में था मेरे भाई, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को की शुरुआत की थी। मैं यहां पर वह शब्द आप सबके साथ जोड़ रहा हूं कि वहां पे उनका वह उद्बोधन मेरे तो कभी दिमाग से निकलता ही नहीं, मैं उसे कभी भूल ही नहीं पाता। उन्होंने अपने संबोधन में और क्या बात कही वह सब तो लंबा विस्तृत भाषण है, वो सब उपलब्ध है, जिनको देखना है वो देख सकते हैं। लेकिन एक बात मुझे वो कभी नहीं भूली कि जब मैं छोटा था मेरी माँ भोजन बनाती थी और धुआं इतना होता था कि ना मैं माँ को देख पाता था और ना मेरे माँ मुझे देख पाती थी। और जब मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो मैंने यह संकल्प लिया कि गरीबी के कारण जो कष्ट मेरी माँ ने सहा है वह कष्ट अब इस देश की किसी गरीब माँ बहन को नहीं सहने दूंगा। इस बात का उल्लेख मैं पूरे देश के अंदर करता, जहां भी मुझे पार्टी भेजती है, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। इसका फायदा हमें 2017 के विधानसभा चुनाव में मिला। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण और संगठन की संरचना, कुशल संगठन शिल्पी के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय अमित शाह जी उस समय उत्तर प्रदेश देख रहे थे, और जितनी परिश्रम की पराकाष्ठा हुआ कर रहे थे, वैसे ही हमारे प्रदेश में संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी थे। मतलब यह कह लीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा, उनका काम, माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन और संगठनात्मक दृष्टि से जो व्यवस्था है वो हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी की अगुवाई में, और मैं निरंतर शायद कार्यालय में उस समय महीने में एक दिन, दो दिन, तीन दिन के लिए आता था, लेकिन बाकी दिनों में मैं केवल उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रमण करता रहा। और एक बात मैं और ये कहूंगा कि जब भ्रमण करके कभी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठने का मौका मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी बैठने का मौका मिला, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी बैठने का मौका मिला, तो मैं जो समझ रहा था, मैं चूंकि विधानसभा चुनाव लड़ा था, देखिए लोकसभा चुनाव तो लड़ा मैं, लेकिन कहूं कि मैं जीता हूं तो मुझे ये लगेगा कि मैं अहंकार का प्रदर्शन कर रहा हूं। मैं नहीं जीता, मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जीते थे, 3 लाख वोटों से जीते। और जब मुझसे बात होने लगी वरिष्ठ नेताओं से, मैंने कहा कि इस बार किसी भी स्थिति में मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। तो जो भी मुझसे जैसी भी बातें करते थे, बहुत मतलब प्यार भरी स्नेह की, मैं सही बात यह है कि अनुभव में भी, आयु में भी सब प्रकार से छोटा था, लेकिन बहुत स्नेह प्यार प्राप्त हुआ। और वह भी समझ रहे होंगे, बाद में मुझे बताया गया कि नहीं, ये आंकड़ा हमारा भी था। तो 325 का आंकड़ा जब गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में हमें प्राप्त हुआ, तो मैं यह कह सकता हूं कि करते थे सब कन्हैया, मेरा नाम हो रहा था, भगवान की कृपा से सब काम हो रहा था, कमल खिल रहा था, और 325 विधायक हमको मिल गए। तो यह तो सच बात यह है, कोई कुछ भी समझता हो, मैं आज भी यह दावे से कहता हूं, कोई जो राजनीतिक दृष्टि से विश्लेषक हैं, कुछ भी कहें, केवल परिश्रम के आधार पर, संरचना के आधार पर हम शायद चुनाव नहीं जीत पाते। हम चुनाव जीते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार और उस सरकार के द्वारा किया गया काम विजय का आधार था। जी।